गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 9 नवंबर 2020, मंडे है, सुबह के 9:02 हो रहे हैं। थोड़ा सा लेट आ सकता है ये वीडियो। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है फ्राइडे का, अगर आपको फ्राइडे का वीडियो देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,131। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स जस्ट ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के पास, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ, तभी फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव हुए। जब भी ये साउथ की तरफ आया तो दो बार इसने एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट का जो हमारा लेवल था इसी के पास इसने दो बार सपोर्ट टेस्ट किया। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 14 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ग्लोबल मार्केट्स देखे तो यूएस में जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए उसके यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। यूएस मार्केट में नासडैक हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ फ्राइडे को। यूरोपियन मार्केट्स में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एशियाई बाजार देखे तो आज सभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, निफ्टी इंडेक्स एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर भी देखे तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी की चार्ट के ऊपर, ये वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। लास्ट चार वीक हम देखा कि 11,930 एक हर्डल बना हुआ था, इसके ऊपर लास्ट वीक इसने ब्रेकआउट दिया और एग्जैक्ट ये 50% का ये जो लेवल था इसी के पास इसने लास्ट वीक का हाई लगाया। फ्राइडे को जो जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी ऑलमोस्ट हाई 12,280 के पास था। तो 50% के लेवल के पास अगर और भी तेजी देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 12,636 एज पर वीकली चार्ट का ये फिबोनाची टूल जो हमने यूज किया है उसके हिसाब से। निफ्टी इंडेक्स रिकॉर्ड हाई क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है ये चार वीक का, ये जो यहाँ पर पेनेट्रेशन देखने को मिला था 11,930 12,000 के लेवल के पास, इसका ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अभी निफ्टी इंडेक्स हो सकता है ऊपर की तरफ नए रिकॉर्ड हाई हमें लगातार करते हुए दिखे, तो कॉशियस रहना होगा। प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है इतनी ज़बरदस्त तेजी के बाद। डेली चार्ट पर चलते, अगर ये डेली चार्ट में हमें जो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज़ करना पड़े लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं अभी ये 61.8% का लेवल ऑलमोस्ट 12,300 के पास है। इसने फ्राइडे को हाई भी 12,280 का लगाया था। अगर डेली चार्ट के हिसाब से चले तो 100% का लेवल 12,770 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी इंडेक्स 61.8% के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ से और भी निफ्टी में नए लेवल सचिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आरएसआई अगर देखें तो 70 के लेवल के पास है। जब जब 70 के लेवल के पास आया है तो एक करेक्शन दिखाई दिया है। तो जब भी अपसाइड मूव यहाँ से 70 के आसपास आ जाए आरएसआई तो थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सीनरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है निफ्टी एक बार फिर से गैप अप ओपन हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो R1 का लेवल है यानी 12,318 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,336 और सेकेंड टारगेट होगा 12,359। अगर निफ्टी इंडेक्स इन सभी के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें। काफ़ी नए लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में ट्रेड करना, तो वेट एंड वॉच करें। जब तक फिर से इन लेवल्स को यह फिर से ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर अपनी पोजीशन ना बनाए। तो ये अपसाइड मूवमेंट के लिए प्लान था। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ चला जाता है तो पिवट पॉइंट को ब्रेक होने दीजिए 12,226, और इसको ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर सेल पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,203, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,179, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।